हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं कॉमर्स ज्ञान। दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे पूरे कॉमर्स ज्ञान की एक्टिविटीज, ई कॉमर्स बिजनेस की एक्टिविटीज। ये व्लॉग आज हम शाम को शूट कर रहे हैं भाई, मेनली जोड़ रहे थे, मैं शाम को डाल देता हूँ क्योंकि सारा मेरा नीचे का ऑफिस है, अभी नीचे ऊपर मैं जाऊँगा तो दिखाऊंगा बिजनेस की एक्टिविटीज, ऑर्डर वगैरह निकालना और बाकी जो थोड़ी बहुत चीजें होंगी ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। भाई हमारा ऑफिस है जो पैकिंग एरिया है, जैसे कि मैंने सब पहले दिखा रखा है, देखो कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बताया थी भाई, जो फ्लिपकार्ट की कुछ अपडेट्स हो गए हैं। फ्लिपकार्ट भाई बहुत अपडेट होते रहते हैं, तो अभी देखते हैं और जो अपडेट्स के बारे में सर्च करके आपको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना तो कमेंट करना, नया तो सब्सक्राइब करना भाई। चलो वीडियो शुरू करते हैं हम। तो भाई मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको बताया देता हूँ भाई, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ होता है। तो पहले तो आपको भाई अपना प्रोडक्ट ये होगा, पहले तो देखो अकाउंट बनाने बनाने, अकाउंट की बात नहीं कर रहा मैं, आपको मेनली बता रहा हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में। आपको मेनली एंट्री कैसे करनी कैसे है, अकाउंट तो बना लोगे, जीएसटी लेना पड़ेगा, वो अकाउंट आपको बना लेना है, जो भी उसका जो प्रोसीजर होता है। तो उसके बाद आपको मेनली चाहिए होता है प्रोडक्ट, कि आपको किस पे डील करना है, किस पे आपको लॉन्ग टर्म में आपको डील करना है। और आपको एक बार स्टार्टिंग में ना भाई रिसर्च करनी पड़ती है प्रोडक्ट के बारे में, या कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको नियर बाय अपने मार्केट जाना पड़ेगा, जो भी अच्छी मार्केट आपका नियर बाय फेमस हो, होलसेल मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, आपको जाना पड़ेगा। जो अगर आपको आसपास कोई मैन्युफैक्चरर है उनसे बात करो, जाके उनके प्रोडक्ट चेक करो भाई कैसे हैं, या चेक करो क्वालिटी चेक करो भाई, क्या वो बेचने लायक है या नहीं है। अगर बेचने लायक है और एक बार जाके ना जो प्रोडक्ट है उसे नाम पता करो, उसको आके ना फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट सर्च करो कि उनकी सेल हो भी रही है या नहीं हो रही, कैसे सेल हो रही है, और उनकी क्या अच्छी रेटिंग है, उन पर कैसी रेटिंग आ रही है, और क्या उस पर आप ब्रांड बना सकते हो, वो जाके भी चेक कर सकते हो आप। और सेलिंग हर चीज की होती है, बस आपको चेक करना पड़ेगा, उसे कहते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। पहले मार्केट जाओ, ढूंढो और उस प्रोडक्ट की फोटो क्लिक करके आ जाओ, दो चार प्रोडक्ट्स की, उसको आके फिर आप अपना ऑनलाइन सर्च करो, चेक करो कि उसकी सेलिंग सेल होती भी है या नहीं। बिना रिसर्च करे कोई भी प्रोडक्ट मत लाना, नहीं तो बड़े बड़े वो भाई आप बिके ना बिके आपकी गारंटी नहीं है। एक बार आके ना ऑनलाइन चेक कर लो कि उस वो प्रोडक्ट बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। फॉर एग्जाम्पल भाई, कोई मान लो कोई शॉपिंग बैग्स है, जो लोग जाते हैं ना बाजारों में सब्जी लेने के लिए रखने के लिए बैग होते हैं, बैग जो हैंगिंग वाले, ये बार चेक करो, अगर आपको आपस पास मिलता है तो ठीक है, ठीक है ये बार चेक करके जो हाँ मिल रहा है तो उसके लिए बाकी ऑनलाइन चेक भी करो कि भाई उस टाइप की बैग जो है बिकते भी हैं या नहीं बिकते, रिसर्च करो और उस पर कितनी रेटिंग है, रेटिंग कैसी है, और फिर उसके बाद आप मार्केट से आके प्रोडक्ट लाओ वाला रिसर्च करके एक बार कि नियर बाय मार्केट जो भी होती है, फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना पूरा काम करो, अपना ब्रांड नेम बनाओ। अगर आपको लगता है कि वो जो प्रोडक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, अच्छा बिकेगा और बिकता है, तो उसमें कई तरह के आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, उसमें ब्रांड बना सकते हो, फिर उस प्रोडक्ट से आप शुरू कर सकते हो भाई, उसमें अलग अलग कलर वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो, अगर कोई मैन्युफैक्चरर मिल जाता है तो, या अगर वैसे मार्केट मिल जाती है उस बैग से रिलेटेड। मैं भाई एग्जाम्पल ले रहा हूँ बैग का, आप किसी भी आइटम से ऐसे शुरू कर सकते हो। एक बार चेक करो कि कौन सा आपके किस चीज की मार्केट फेमस है, उस चीज को फिर आप ऑनलाइन सर्च करो कि किस तरह की आइटम बिक रही है, फिर उस तरह की आइटम आप मार्केट में जाके ढूंढो, है ना, उस तरह की आइटम जाके फिर ढूंढो, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई आप मान लीजिए आप चेक कर लेते हो ऑनलाइन कि उस तरह की आइटम बिकती है और रिव्यू अच्छे हैं, तो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई ये बिकती है, हाँ बिक सकती है, फिर उसमें आप अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हो और उसको जाके लाके अपनी ई कॉमर्स बिजनेस पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम अपने ऊपर वाले ऑफिस में आ चुके हैं, जहाँ से हम ऑर्डर शेड्यूल करते हैं और डिस्पैच करते हैं, जहाँ से हम लेबल निकालते हैं, और हमने आके भी सिस्टम ऑन कर लिया है। तो अभी हमारे पास टोटल ऑर्डर अभी आए हुए हैं भाई 22 ऑर्डर यहाँ पे भी हमारे पास आए हुए हैं, देखो ये आए हुए हैं फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे, एक बार चेक कर लेते हैं अमेजोन पे भी कितने आए हुए हैं भाई, आपको बता देता हूँ भाई अमेजोन पे आए हुए हैं भाई देखो 17 ऑर्डर आए हुए हैं अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे आए हुए हैं 22। तो भाई अभी ये टाइम हो रहा है भाई शाम के, रात होने वाली है, शाम के 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट टाइम 7:50 हो रहे हैं, शाम के ऑर्डर मॉर्निंग तक ये ऑर्डर होते होते फ्लिपकार्ट पे 40 के आसपास पहुंच जाएंगे और अमेजोन पे 17 है 20-22 के आसपास पहुंच जाएंगे, है ना। तो इतने ऑर्डर इतनी ऑर्डर की इसमें एवरेज है। तो भाई हम बात कर रहे थे भाई प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में, जैसे कि मैं आपको नीचे बता रहा था, नीचे ना थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइस आ रही थी, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ भाई। तो मेन दिक्कत ना यहाँ लोगों इसे में ही आती है कि भाई वो प्रोडक्ट क्या कर रखे, प्रोडक्ट कैसे ढूंढे भाई, प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे करे, प्रोडक्ट क्या लाए भाई, क्या
उनमें उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या सेल करें, क्या प्रोडक्ट सेल करें ना, समझ बड़ी दिक्कत ये आती है ना भाई। इस लोग को ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे इसमें, वहाँ मेनली बस एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च कि कैसे करते हैं भाई प्रोडक्ट रिसर्च ऑनलाइन सेलिंग के लिए, मेनली बस ये बात करेंगे भाई। बाकी तो आपको मैंने हर चीज जो है ऑर्डर शेड्यूल करना और प्रिंट करना आपको मैंने मैक्सिमम दिखाई रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिखा दूंगा उसका छोटा पार्ट। बाकी मैक्सिमम हम बात करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में कि कैसे अपना प्रोडक्ट रिसर्च करें भाई, हम कैसे प्रोडक्ट डिसाइड करें, क्या सेल करें। मेन दिक्कत भाई यही आती है लोगों को, जितने भी सेलर काम कर रहे हैं जो नए जुड़ने चाह रहे हैं वो इसी की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या बेचे भाई, अकाउंट तो बन गया, जीएसटी आ गया, सब हो गया, सब तो भाई देखो कागजी कार्यवाही है, वो तो हो जाता है। मेन दिक्कत आती है भाई क्या प्रोडक्ट सेल करें, है ना भाई, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है ना, तो उसी बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सोचना है कि आपके नियर बाय मार्केट क्या है। अगर नहीं पता तो ना गूगल पे सर्च करो नियर बाय मार्केट, नियर बाय होलसेल मार्केट। देखो कोई ना कोई, देखो भाई कोई ना कोई मार्केट तो हर जगह फेमस होती है, कोई ना कोई तो होती ही है। अगर नहीं है ना तो भाई आप क्या कर सकते हो, आप दिल्ली में आकर थोड़ा मार्केट घूम सकते हो। अगर दिल्ली आपकी जैसे आप यूपी से हो या जगह पास से हो या कहीं से भी हो, या ट्रेन करके आप दिल्ली आ सकते हो, वहां पे आप थोड़े प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो भाई। भाई अगर मार्केट आपके एरिया में नहीं है या थोड़े बहुत दूर है तो आपको भाई वहां जाना पड़ेगा, वहां जाके आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो भी मार्केट का जो भी प्रोडक्ट नाम आ रहा है, मान लो आपके आसपास जो बैग्स की मार्केट है या शूज की मार्केट है या किसी भी चीज की मार्केट है, तो उस प्रोडक्ट्स को ना आप सर्च करो ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, इस तरह के प्रोडक्ट आप वहां पे सेल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर उस तरह के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और अच्छी रेटिंग है, क्वालिटी अच्छी में आपको मिल रही है, तब आप जाके उस प्रोडक्ट में डील कर सकते हो, ठीक है। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी भाई, ऐसे ही रिसर्च होती है भाई। पहले आप चेक करो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या कोई प्रोडक्ट वहां से मिलता है या किस तरह के प्रोडक्ट आपके आसपास मिलते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सर्च करो कि सेल होती है या नहीं होती है और कितनी होती है, वो आपको रेटिंग से पता लग जाएगा और वहां पे दिखता भी है कि लास्ट महीने में कितनी सेल हुई है उस प्रोडक्ट की। तो आप उस तरह की आइटम आप ढूंढ सकते हो, फिर उसको आप थोड़े मालूम मिलती है आपके नियर बाय वो मार्केट, तो जो भी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं तो क्या करो, उस तरह के आप पांच तरह के प्रोडक्ट ले आओ और तीन तीन चार करके उसे सैंपल ले आओ और उसको जाके फिर लिस्ट करो अपने अमेजोन फ्लिपकार्ट या मीशो पर। फिर जिस प्रोडक्ट की सेल आए फिर उस प्रोडक्ट को धीरे धीरे आप आगे बढ़ाओ, उसकी अच्छी से अच्छी इन्वेंट्री का स्टॉक रखो अगर सेल आती है तो। मेनली करना क्या है, 10 तरह के प्रोडक्ट लाने हैं, हर किसी के 3 दिन चार चार सैंपल ले आओ। और देखो भाई इसमें सब नहीं चलेंगे लेकिन इसमें 2 या 3 तो चलेंगे और उसको चलने में कुछ टाइम लगता है, 3 से 4 महीने लगते हैं। जो चलता है उसको भी धीरे करके आगे बढ़ाओ, उसमें इन्वेस्ट करो, उसकी इन्वेंटरी में इन्वेस्ट करो, ज्यादा इन्वेस्ट रखो फिर अगर आपकी वो लिस्टिंग चलती है तो, ठीक है गाइस। और ऐसे जैसे जैसे आपको बिजनेस ग्रो होता है उसी तरह से आप और भी प्रोडक्ट उसमें लाके आप ऐड कर सकते हो, कलर की वेरिएशन हो गई या उस तरह की उसी कैटेगरी में और तरह के प्रोडक्ट्स हो गए। भाई काम जो है ना ऑनलाइन बिजनेस हो या कहीं भी हो वो धीरे धीरे सेट होता है, धीरे धीरे सेटअप होता है भाई। उसमें आपको लाखों नहीं लगाने, 2 लाख नहीं लगाने, आपको सिंपली बहुत कम से कम खर्चे में आपको बड़ा बिजनेस बनाना है भाई। ये आपको अपना माइंड आपका होना चाहिए, आपको चेक करना है कि मैं 5, 10 या 20 हजार में आपको मैं 10 या 20 हजार में मैं बड़ा बिजनेस कैसे बनाऊं। देखो भाई अगर आप अच्छे से स्टार्ट करोगे, अगर देखो आप अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा और जो जीएसटी खर्चा होता है वो टोटल आपको 10 हजार में खर्चा हो जाएगा, जीएसटी और ट्रेडमार्क का खर्चा मिला के 10 हजार लग जाएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने तरह के सैंपल लेते हो, किस कैटेगरी में जाते हो, किस तरह के प्रोडक्ट आप डिसाइड करते हो कि आपको सेल करने हैं और कितने सैंपल लाते हो। आप चाहो तो 5 से 10 हजार के सैंपल लाके भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। सैंपल लाके लिस्ट करो, जो चले उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है गाइस। ऐसे आपको रिसर्च करनी है प्रोडक्ट के बारे में। आपको मैं एक बार ऑनलाइन में यहाँ पे दिखा भी देता हूँ अमेजोन पे कि क्या आपको चेक कैसे करना है कि उसकी सेलिंग कितनी होती है, सेल कितनी होती है। देखो गाइस मैंने जैसे अब सर्च करा भाई कटिंग बोर्ड्स फॉर किचन की कटिंग बोर्ड्स, जो इस तरह के किचन में यूज होते हैं कटिंग करने के लिए सब्जी वगैरह या किसी भी चीज के लिए, तो जैसे ये ओपन हो गए। अब आजकल तो यार ऊपर जो आपको शो होंगे सारे शो हो रहे हैं स्पॉन्सर्ड वाले, जिसने एड चला रखी है जो जिसपे लिखा आ रहा है ना स्पॉन्सर्ड, ये एड चल रही है। अब आपको चेक करना है कि भाई उसकी सेल कितनी होती है। मान लो हम किसी को भी ओपन कर लेते हैं, जैसे मान लो हमने इसको ओपन किया, इसमें कितनी रेटिंग भाई 5,227, आपको रेटिंग से आइडिया हो जाएगा कि उसकी सेलिंग कितनी होती है। देखो जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है, जैसे हमने ये ओपन किया है ना, एक तो आपको दिख रही है इसकी रेटिंग,
आपको रेटिंग चेक करनी है, रेटिंग से रेटिंग कितनी है 4.2, इससे आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है। इस तरह के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं अच्छी क्वालिटी में है, जो कि कस्टमर को पसंद आ रहे हैं, और इसलिए वो भाई 1000 मंगा रहे हैं। जो आपको लिखा है ना 1K प्लस बाउट इन पास्ट मंथ, लास्ट महीने में ये भाई 1000 बिके हैं, इसका मतलब ये है, ये बिक कितने का रहा है भाई, ये 266 रुपए का बिक रहा है। लेकिन ये जो है बिजनेस प्राइस है, ये मैंने बिजनेस वाला अकाउंट इसमें बना रखा वो वाला है, ठीक है भाई। ये ऐसा चल रहा है, आपको एक तो रेटिंग से पता लग जाएगा कि किस प्रोडक्ट की सेल कितनी है, और यहाँ भी दिख जाएगा कि कितना बिका है लास्ट मंथ वो। इस तरह से आप और भी प्रोडक्ट्स के बारे में चेक कर सकते हो, जैसे मैंने अभी तो एक ही खोला है और बाकी और भी खोल लेते हैं, मान लो इसको ही खोल लेते हैं भाई। और इस तरह की आइटम मिलती है भाई सदर बाजार में, किचन की आइटम सारी मिलती है सदर मार्केट में। देखो इसमें लिखा हुआ है 700, ये लास्ट महीने बिके 700, इस पर रेटिंग कितनी है 594 भाई। इस तरह के प्रोडक्ट भी काफी अच्छे बिकते हैं, ये सारे किचन आइटम है, किचन कैटेगरी काफी अच्छी सेल होती है अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, दोनों में अच्छी चलती है। देखो इस तरह के सारे आइटम है, बहुत अच्छे बिकते हैं भाई। ये चॉपिंग बोर्ड, इसे कहते हैं कटिंग बोर्ड कहते हैं, ये चॉपिंग बोर्ड भी कहते हैं, जैसे यहाँ लिख भी रखा है कटिंग बोर्ड या चॉपिंग बोर्ड, इसे ये कहते हैं, अमेजोन पे काफी अच्छे बिकते हैं। और ये सारी आइटम भाई किचन की आइटम में अगर आपको डील करना हो तो किचन की हर आइटम आपको सदर मार्केट में मिल जाएगी, उसमें आप सैंपल भी ला के स्टार्ट कर सकते हो, और इस कैटेगरी में आप ब्रांड ट्रेडमार्क भी ले सकते हो, तो इसको भी इससे भी आप शुरू कर सकते हो, ठीक है गाइस। ऐसे आपको करनी है प्रोडक्ट रिसर्च, आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे सर्च करके पता कर सकते हो कि उसकी सेलिंग है या नहीं है, वो कितना बिक रहा है तो सही लिस्टिंग है, लेकिन कितनी बिक रही है वो आपको आइडिया हो जाएगा इसकी रेटिंग देखकर, जिसकी रेटिंग है उसमें मान लो सेल अच्छी है, और जैसे मान लो ये सेल कर रहे हैं आप, इनसे थोड़ा अलग करने के लिए आप इसके साथ कोई ना कोई कुछ चीज फ्री देके आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा यूनिक कर सकते हो, अपनी लिस्टिंग को थोड़ा अलग कर सकते हो, ताकि इन सबसे अलग हो जाएगी। ये फोटो यूज कर ली, मान लो आपने क्लिक कर ली, साथ में एक चीज और ऐड कर दी, तो कस्टमर को कुछ दिखेगा अलग कि कॉम्बो में है कुछ मिल रहा है। जैसे मान लो इसने कर रखा है, इसने ऊपर नाइफ रख रखा है, फ्री दे रहा होगा इसमें, तो इसमें काफी लोग खरीदते होंगे इसका, है ना। ऐसे ही देखो लोगों ने और भी कुछ रखा होगा, आप ऐसे ही और भी अपनी तरफ से कुछ आइटम साथ में रख के फ्री दे सकते हो या कॉम्बो में डाल सकते हो, ताकि इन सब से अलग हो जाएगा, आपकी सेल भी अच्छी आ सकती है इससे, कुछ अलग करना पड़ेगा बाकियों से तभी कुछ अलग होगा भाई, ठीक है गाइस। ठीक है, मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट का रिसर्च कैसे करते हैं, इस तरह से आप भी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो भाई ऑनलाइन पे। अब मान लो आप बिना मार्केट गए, आपके माइंड में कोई ना कोई प्रोडक्ट है, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ होता है भाई कैटेगरी, आप उसको भी सर्च करके ऐसे चेक कर सकते हो कि उस कैटेगरी में सेल है या नहीं है। जिसमें सेल अच्छी होती है ना, तो भाई चांस होते हैं उसमें जल्दी ग्रो करने के, अगर आप कुछ ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट लाओगे उसमें ग्रो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बस एक बार चेक जरूर कर लेना ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कि उसकी सेल है भी या नहीं है, फिर उसको लाके आप मार्केट से सैंपल लाके आप लिस्ट कर सकते हो, या तो आप जैसे इंडिया मार्ट से भी आप सैंपल मंगवा सकते हो, वो बंदे प्रोवाइड कर देते हैं, उसे कॉन्टैक्ट करके आप मंगवा सकते हो। तो गाइस आप अपने ऑर्डर डाल लेते हैं, जो हमारे ऑर्डर आ रखे हैं अभी 23 ऑर्डर अभी आपको दिखाते हैं मैंने, भाई सब 23 ऑर्डर हो चुके हैं, एक बार दोबारा क्लिक करते हैं क्या पता बढ़ जाए, तो अब हो गए 24, 23 थे ना, मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, रिफ्रेश करते ही 24 हो गए हैं। अब ऑर्डर डिस्पैच कर लेते हैं, फिर आपको सब दिखाते हैं, जैसे आपको दिखाया है तो आपने तो आगे का देखते हैं। तो देखो गाइस हमारे अभी 24 ऑर्डर आए हैं फ्लिपकार्ट जो कि अब हम शेड्यूल कर रहे हैं। शेड्यूल के लिए हमने भाई सबसे पहले इस पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट करने का, सारा सिलेक्ट कर लिए हैं, फिर हमने फिर अब क्लिक किया जनरेट लेवल पे, फिर अब क्लिक करेंगे प्रोसेस लेवल पे, फिर करेंगे हम यहाँ पे कन्फर्म। कन्फर्म करते ही देखो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएंगे प्रोसेस, एक दो बार आपको इस पे और इस पे क्लिक करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो करता है कभी कभी इसका काम, तो लेबल डाउनलोड हो जाएंगे। देखो लेबल ना यहाँ पे अटक चुके हैं, तो उसके लिए आपको लेबल यहाँ मिलेंगे थोड़े नीचे ना, यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा डाउनलोड, दिखा रहा है ना डाउनलोड 21 लेबल्स, इस पे क्लिक करेंगे तो लेबल आ जाएंगे यहाँ ऊपर डाउनलोड, देखो आ गए ना लेबल। अब 22 ऑर्डर हमने डाल लिए हैं, दो ऑर्डर मल्टी क्वांटिटी वाले होंगे इसलिए डाले नहीं, उसको दोबारा बाद में डालेंगे, पहले इन ऑर्डर्स को हम लेबल को क्रॉप करते हैं फिर प्रिंट निकालते हैं। भाई क्रॉप करने के लिए हमने सेजा सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, यहाँ पे हम फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और प्रीव्यू पेजेस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे लेबल को सिलेक्ट करेंगे जितना हमें क्रॉप करके प्रिंट निकालना हो, तो सिलेक्ट करके दिखा लेते हैं फटाफट से, जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए लोग को ज्यादा लंबा ना खींचेंगे। तो देखो क्रॉप पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्रॉप पीडीएफ पर थोड़ा स्लो चल रहा है, बट देखो ये हो गया क्रॉप, हाँ प्रोसेस हो रहा है, वो जल्दी क्रॉप होगा इसमें, ये देखो
तो गाइस देखो क्रॉप होके यहाँ पे सारे लेबल आ चुके हैं, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और इनके हम प्रिंट निकालेंगे। लेबल चेक करते हैं प्रिंटर कौन सा है, सिलेक्ट सही है, प्रिंटर सही है और पेपर साइज भी हमने सही सिलेक्ट कर रखा है। तो प्रिंट की कमांड पे क्लिक कर देंगे, फिर प्रिंट आने शुरू हो जाएंगे। देखो ये है पूरा ऑर्डर निकालने की प्रक्रिया प्रोसेस सारा। तो मैंने आपको लोगों में ये भी दिखा चुका हूँ मैं आपको। अब जो ऑर्डर हमने के ऑर्डर निकाल लेबल निकाल ली है उसको यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करके ना मल्टी पे सिलेक्ट हो जाएंगे, सारे ऑर्डर सिलेक्ट हो जाएंगे, 22 ऑर्डर सिलेक्ट हो चुके हैं। इसको कर देंगे मार्क आईडी, इस पे जब तक क्लिक नहीं करेंगे आपका ऑर्डर डिस्पैच नहीं होगा पूरी तरह से। आपको मार्क आईडी करना बहुत जरूरी है तभी आपका ऑर्डर पूरी तरह से फुलफिल होगा। ठीक है गाइस, जो दो ऑर्डर बचे हैं मल्टी क्वांटिटी वाले ऑर्डर है इनको दोबारा से डायमेंशन डाल के शेड्यूल करेंगे। इस तरह से करने आपको ऑर्डर प्रोसेस फ्लिपकार्ट के। इस देखो गाइस अब हमने खोल लिया ये अमेजोन का पैनल, इस पे हमने चेक किया जो शिप बाय टुमारो है, जो कल ऑर्डर कितने शेड्यूल करने हैं 14 ऑर्डर है, इसको सिलेक्ट करके हम करेंगे शेड्यूल पिकअप पे क्लिक। तो शेड्यूल पिकअप पे हमने क्लिक कर दिया है, यहाँ पे हमें सबकी अब डायमेंशन वगैरह चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम गेट पिकअप स्लॉट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे शेड्यूल पिकअप पे क्लिक करेंगे, उससे फिर हमारा अमेजोन के ऑर्डर जो है सारे प्रोसेस हो जाएंगे। पहले सारे इसके जो वेट एंड डायमेंशन चेक कर लेते हैं कितनी कितनी है, उस हिसाब से फिर पूरा करते हैं। तो गाइस हमने सबके प्रोडक्ट की वेट एंड डायमेंशन डाल लिया है, अब इसका करेंगे गेट पिकअप स्लॉट पे क्लिक। उसके बाद मल्टी क्वालिटी के लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है कि हाँ ये सब एक टिक करना पड़ता है। उसके बाद शेड्यूल पिकअप पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये अब चल जाएगा प्रोसेस में। थोड़ी देर बाद यहाँ पे ऑर्डर जो लेबल है जनरेट हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम सेम प्रिंट निकाल देंगे। ठीक है गाइस, ये सारा प्रोसेस है ऑर्डर प्रोसेस करने का। तो गाइस इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इस वीडियो में मैंने बताया है कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं और लास्ट में थोड़ा बहुत मैंने दिखाया है और कि ऑर्डर शेड्यूल कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना तो कमेंट करना, नया आएगा तो सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।